मैं गुजर रहा हूँ, पहली दफ़ा यहाँ से गुजरने का इतफाक हो रहा है। कराची के बेशतर इलाके ऐसे थे हैं कि जहाँ से काफ़ी अरसे की रिहाइश के बावजूद मैं उनको नहीं देख सका हूँ। तो ये टैंक चौक से ये रास्ता निकल रहा है सीधा। अब ये कहाँ जा रहा है मैं इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता। उससे आगे चल रहे हैं प्रोफेसर वकार। यहाँ पे जो बोर्ड है उसके मुताबिक यहाँ पे मलीर कैंट की हदूद ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ख़ासा सरसब्ज इलाका नज़र आ रहा है। दरख्त खासी बड़ी तादाद में है, बड़े तनावर दरख्त हैं। यहाँ पे नारियल भी नज़र आ रहा है। यह है इकरा यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफदर अब्बास, वेलकम टू दी चैनल। कराची में रहते हुए एक अरसा गुजर गया, लेकिन चौकंडी के कब्रिस्तान ये देखने के इतफाक आज तक नहीं हो सका था। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया है और आज पहुँचे हैं चौकंडी के कब्रिस्तान, और इसका क्रेडिट जाता है प्रोफेसर वकार साहब को। यह हमारे एक नहायत मोहतरम दोस्त हैं, और प्रोफेसर वकार पेशा पैगंबरी से वाबस्ता हैं, एक दरस व तदरीस से इनका वास्ता है। तो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमको ये मौका फराहम कर दिया कि हम चौकंडी को देख सकें। और अब मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि ये इसकी तारीखी हैसियत क्या है। असल में ये जो चौकंडीज आप देख रहे हैं, ये चौकंडी से मुराद चार कोने वाली कब्रें, चार कोने की वाली कब्रें, और ये तकरीबन 7 के करीब मौजूदा इस वक्त जो आसार हैं और मिले हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, 7 मुख्तलिफ जगहों पे ये चौकंडी कब्रिस्तान है। ये 7 जगह हैं, सब कराची ही में है, कराची और बलूचिस्तान बॉर्डर तक हैं ये। अच्छा, इसमें एक आप मशहूर जमाना कायदाबाद की जो रोड के ऊपर है, जी जी, वो कायदाबाद की चौकंडी कह लें उसको, सही। दूसरी ये मेमन गोट की चौकंडी है, जी जी जी। इसके बाद तीसरी चौकंडी जो है वो हब रिवर रोड के ऊपर जहाँ पे नादरन बाईपास मिल रहा है। चौथी इस हब सिटी के बाद सीधे हाथ में पड़ती है, सही। और पांचवी इसके बाद अंदर उसी एक एरिया में है। छठी जो है चौकंडी आपको मिलेगी दुरेजी के पास महर जबल के रास्ते में मिलेगी। अच्छा, 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 अच्छा। और सातवीं हम कह सकते हैं कि जो मकली टगली है उसके अंदर भी कब्रों का तकरीबन यही निशान है। चौकंडी तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह की जो शेप है और कब्रों में जो निशान जो डिज़ाइनिंग है, यह हैंडीक्राफ्ट है, ये है। ये यहाँ के बलोच हुक्मरानों की कब्रें हैं, जो बताता है कि 500-700 साल पहले यहाँ पर बलोच ही हुक्मरान रहे हैं इस पूरे एरिया में। कबूल जो क्यों, और ये ख़ासतौर पर इस तरह के बहुत सारे लोग, इसकी और भी हिस्ट्री है कि इस इलाके में और इन मुख्तलिफ जगहों पर काफ़ी दूर का फासला है, तकरीबन 250-250 किलोमीटर बनता है यहाँ से, इन सब जगह पर इन्हीं के ख़ानदान की और सेम शेप की चौकंडी कब्रिस्तान है, जो एक ही ख़ानदान या एक ही नस्ल की गमबाजी करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो फन है, जो तामीर है इसका, इसके मतलब कुछ आप बताएंगे कि ये तामीर किस किस्म की है? ये शॉर्टली है कि ये स्पेशल पत्थर से समंदर किनारे का है, जिसपे आसानी से वो होता नहीं, काट के लाया गया है। और काटने के बाद ये हाथ से ये सारा डिजाइन हुआ हुआ है। ये आप देखें कि इसको देखेंगे, इन सब की शेप अगर आप इसको ऊपर से लेके नीचे तक देखें, तो अब हाथ की कारीगरी आप देख लें कि इन सब का जो डिज़ाइन है अप्रॉक्सीमेटली 95% सबकी जो साइज और शेप है, इतने अरसे के बावजूद भी ये वैसे ही है। हवा का असर भी नहीं है, बारिश भी इधर पर होती रही है, छत भी नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसको देख लें, इस डिज़ाइन को देख लें, यहाँ से लेके उस तक ये हाथ की सिल काट के किया है, कोई ऐसी कास्टिंग मशीन भी नहीं कि उस ज़माने में हो इसको रख के खा गए। प्रोफेसर साहब, आप ये बता रहे हैं कि ये 500-700 साल पुरानी कब्रें हैं, और उस दौर का इंसान क्या इतना स्किल था वो? अब देखें कैसे स्किल है, अगर आप एक पत्थर के ऊपर इन्होंने इतना अरसा, ये 500-700 साल बाद भी इसकी शेप तकरीबन उस ज़माने में कितनी खूबसूरत होगी, इसका कलर कितना उजला होगा, ये हवादे से ज़माना, बारिश, सही सही, 12 इसके बावजूद भी आप देख लें, उनकी सोच देखें उन लोगों की, ड्यूरेबिलिटी। कबर नीचे है असल में, कबर नीचे है, उसके साइज में पता चलता है कि, और उसके ऊपर डिजाइन से पता चलता है कि खातून की है या मर्द की है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई ऑर्नामेंटल पर्पस की कोई चीजें बनी हो जवाहरात टाइप के, तो खातून की है, और अगर उसके ऊपर कुछ ऐसा निशान हो लड़ाई झगड़े वाला, तो बस वो समझ लें मर्द की है। साइज भी मैटर करता है, ये बड़ा साइज आप देख सकते हैं, एक ही खानदान, एक जगह पे तो एक ही खानदान है, सही सही। कब्रें बेसिकली नीचे है, अच्छा ठीक है, ये ऊपर सिर्फ रखा गया है, सिर्फ ये। और अभी एक और चीज में नाम भी मौजूद है, कई कब्रों पे नाम भी मौजूद है, अगर हम नाम को सर्च करना चाहिए तो कुछ नाम मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये फेरोज नजर आ रहा है, फेरोज यूसुफ यूनुस मुझे तो यूसुफ नजर आ रहा है क्योंकि ये एक जीरो हट गया, सीन ये फे और ये नुक्ता यूसुफ फेरोज ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे उस ये रहा साजकीन तलाका कुछ इस तरह का नाम है, आप देखें ओल्ड नेम है ये। हाँ, हाँ, और अब इनके देख रहे डूम कैसे बने हैं, ये नहीं ये सर का ताज है इनका, सब जगह पे नाम मौजूद है। अच्छा यहाँ पर डूम भी थे इसके ऊपर बने हैं। जी हाँ जी हाँ ये इस पे डूम थे, ये सब जो गिरे हुए ना। हाँ ये डूम अच्छा, है ये जो गिर चुके हैं ये इसके ऊपर सब पूरा एक छज्जा नहीं जरा जी बिल्कुल तकली में देखा है, एक कैनोपी जो इसे कैनोपी बनी हुई थी पूरा डूम नहीं जरा होता है ये बड़ा खानदान है ये वाला। हाँ जी जी ये वाला क्योंकि जिनके ऊपर ये कैनोपी बनी हुई थी वो बादशाहों वाला मामला था। ये इसहाक नजर आ रहे हैं पे मुझे यहाँ पर, तो इसहाक नजर आ रहा है इसहाक, यहाँ का मालूम नहीं है। तो इस तरह अगर आज ये तमाम नाम की अगर पिक आपने ले ली वीडियो बना ली तो ये तारीख में महफूज हो जाएगा। ये खास बात आपको बता दूं क्योंकि ये कुछ अरसे बाद 10 साल बाद 15 साल बाद मुझे नजर नहीं आने वाले, नजर नहीं आने ये बतदरीज खत्म हो रहे हैं। ये इस्माइल बिन इसहाक ये बड़ा क्लियर नाम देख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल इस्माइल बिन इसहाक ये कुछ नाम ऐसे हैं और ये नाम और भी कुछ मौजूद है इसमें ऊपर भी है ये। हाँ ऊपर भी है ये 1 2 3 4 है हमारे पास। तो ये हमारा बड़ा जबरदस्त वर्षा है, ये छोटी कब्रिस्तान नहीं माशाल्लाह बहुत बड़ा है ठीक है ना। और फिर एक वक्त ऐसा है कि इन पे जवाल आया दूसरों लोगों ने उनके हुकूमतें की। और ये एरिया में फिर बता दूँ सिंध का ठट्टा तक सही, फिर ये पूरा ये कराची पूरा कराची हब सिटी ठीक, दरेजी टिक्को बारान खीरसर का पहाड़ा ये सब इस तरफ जितना भी जाओ ये बलोच ट्राइब का पुराना इलाका है ठीक। और जो हमारे सिंध के भाई लोग हैं ठीक है ना वो सिंधी स्पीकिंग से हम आर्यंस कहेंगे समझ लो इस तरह, वो फिर ठट्टा से आगे शुरू हो जाता है ठीक। तो अब इनके अच्छा अब इनके ऊपर हुक्मरान क्या आ रहे हैं ठट्टा की कब्रिस्तान में आपको पता है मगली टगली में वो मुग़ल थे तरखान थे और इसके इस तरह से बलोच थे सारे। अब आप कराची के अंदर भी आप और से देखेंगे आपको मुख्त जगहों पर बलोच मोहल्ला नज़र आएंगे आपको, तो अलग बात उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं। आप मलिर में जाओ आपको बलोच मोहल्ला नज़र आएगा, आप कहीं भी आप जाओगे किसी एक नाजाबाद इलाके में जाओगे बनारस जाओगे बनारस के पीछे आप उस किसी भी एरिया में जाओगे आपको बलोच वो असल में नेटिवली यहाँ के। इसके बाद फिर आपका आता है कच्छी लोग अच्छा फिर हाँ कच्छी लोग इसके बाद आए, बाकी लोग तो बाद में आए हैं 47 के बाद एक्चुअल माइग्रेशन 1947 के बाद हुई है जब ये कॉस्मोपोलिटन सिटी बना, इससे पहले यही थे। फिर अगर कुछ तारीख मिलती है तो समंदर किनारे तो वो हमारे मकरान के लोग हैं जो अरब लोग कबल इस्लाम से पहले तक जी। उसके बाद भी यहाँ पे आके अपने ये ग़ुलाम डिप्यूट करते रहे और डिप्यूट करने का मकसद है कि पहले ग़ुलामों को वहाँ से लाना अफ्रीका से अपने सामान के लिए लेके जाना रास्ते का खाना पीना खर्चा बड़ा मुश्किल होता था। तो इन्होंने 3-4 जगहों पे हमें दीबल भी शामिल है जीवनी शामिल है गवादर शामिल है ये सारा जो इलाका है जिसमें अपने लोग डाल दिया अफ्रीका से ला के। अब उनका कल्चर भी अगर आप देखेंगे खासकर शादियों में जो हम करते हैं इल्ली करके जो जी स्टाइल हाँ बिल्कुल आज भी कराची के अंदर शादियों में लियारी में बाकायदा वो कल्चर उसी तरह ही मौजूद है। तो वक़ार साहब ये तो कल्चर जो अरब में आज भी मुस्तमिल है। हाँ तो ये सेम ये कल्चर आपको लियारी में मिलेगा में भी है ईरानियों में है ईरानियों में भी है ये पट्टी मतलब ये माइग्रेटेड पट्टी कहलाती है। अच्छा अच्छा मल्ला है तो ये लियारी में नजर आएगा तो ऐसे ही आप देखेंगे बलोच हमारी पूरी कौम फिर एक मकरानी जो कौम हमारी जो है जो प्योर अफ्रीकन है उनके खदो खाल उठा लें उनके बालों का स्टाइल उठा लें तो दे आर माइग्रेटेड नुश्की के लोग उठा लें वो बिल्कुल ऐसा है जैसे अफ्रीकन हो बिल्कुल अफ्रीकन लगते हैं ये वहाँ से माइग्रेटेड है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अमलगमेशन हुई है तो हुई है अदरवाइज प्योरली यहाँ तो ये पुराना ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ से उसकी उस तरफ जाएंगे उल्टे हाथ पे ये मेमन गोट का इलाका सब सीधे हाथ पे पड़ता है और इसके पीछे मलिरकंड का इलाका है इस तरफ इसकी तरफ जाएंगे सुपर हाईवे और अगर यूँ निकल जाएंगे तो हम दरसानों छन्नों और शीदी गोट मेमन गोट से ऊपर का इलाका फिर गुलशन नदी स्टील टाउन बैग से जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत जरखेज़ इलाकों में से एक इलाका है कराची का मतलब गाँव का माहौल और कराची और शहर से थोड़ा सा बाहर निकल आपने देखा में हम एकदम एक नेटिव एरिया में आ गए। अब जब आगे जाएंगे तो आप वो खेत खलियान इंतहाई नजर आएंगे जो 10-15 किलोमीटर तक मुकम्मल फैले हुए कब्रें नीचे हैं ठीक है जी जी और ये ऊपर इन्होंने
आप समझ लें कि आप इलाके के जो बादशाह थे उनकी कब्रों में खूबसूरती पैदा करने के लिए ऑर्नामेंटल पर्पस, यानी कब्रें भी इनकी शान को शो करने की एक निशानी बनाई। ठीक है। लेकिन अल्लाह देख ले, आप सब दुनिया देख लें सब, हाँ, कैसे कैसे लोग चले गए, ला मका हो गए, मकान कैसे कैसे, तो आपके सामने है कितने बड़े बादशाह गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, दुआ करने वाला कोई नहीं, इनके लिए हाथ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन उन कारीगरों जिन्होंने ये काम किया है, हाँ, उनकी कारीगरी देखने वाले दुनिया के लोग आते हैं। 25 साल पहले आपने विजिट किया था पहली दफा? वो पहला विजिट मेरा बाइक का था। अच्छा, ये मैं रहता था मलीर में, तो मैं अंदर से खोखरा बार 2 नंबर 2.5 नंबर से अंदर आया, आते आते बस घूमता फिरता देखा था कब्रिस्तान था, वो मेरा पहला विजिट था, घूमा फिरा यहाँ से, फिर मैं अंदर अंदर से बस, मुझे नहीं मालूम था रास्ते उस जमाने में, यंग लड़का था, ये 1993 की बात है मेरे ख्याल में, 33 साल पहले की बात है। तो यहाँ से मैं गया, फिर दर्शन अच्छा कि वो मलीर की तरफ निकल गया, वहाँ से फिर मैं नेशनल हाईवे से वापस आया, वो मेरा पहला बाइक ट्रिप था, इसके बाद मुझे नशा चढ़ गया। बकर भाई आप ये बताइए कि आपने बाइकिंग शुरू कब से की? मैंने आपको बताया ना 1993 से पहला ट्रिप मेरा था ये, और जब मेरे हाथ में बाइक आई तो मैंने बस शुरू कर दी, इसके बाद नॉन स्टॉप तकरीबन हर साल ही आल पाकिस्तान ट्रिप कर रहा हूँ, और 2001 के बाद से मैंने आल पाकिस्तान ट्रिप शुरू किए, इससे पहले मैं दिस सिंध करता था क्योंकि छोटा था, ज़्यादा जाने के अलाव भी नहीं था, रोड का भी मसला था, गूगल बाबा होता नहीं था, तो 2001 के बाद से फिर मैंने क्या किया, बगैर पूछे बाइक उठाई आल पाकिस्तान वालों में 2002 में, और इसके बाद से फिर हर साल एक बार दो मरतबा बाइक पे आल पाकिस्तान करता था, और 2016 तक मैं सोलो गया हूँ, जबकि ना गूगल बाबा था ना कुछ था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे याद हो गया, 16 में मैंने अपना मनाजान बाइकर क्लब बनाया दोस्तों के कहने पे, तो अब छोटा सा एक मेरा क्लब है मनाजान बाइकर क्लब, लोग आते हैं जाते हैं, मोहब्बतों के साथ जाते हैं, नए नए विजिट कर लेते हैं, कई जगह सिंध की बलूचिस्तान के अलहमदिल्ला एक्सप्लोर किए, और कई दोस्त हमारे गए भी हैं, तो मेरा मोटिव ये क्लब का कि ट्रेडिशनल प्लेसेस से हटके थोड़ी हाइकिंग करके कुछ नया एक्सपीडिट किया जाए कुछ। वकास साहब कुछ आप अंदाजे से बता सकते हैं कि आप अब तक कितने किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं? ओ भाई अब आप सोचें कि अगर कितनी दफ़ा आपका बाइक रीन्यू हुआ है ये बता दें। मैं अब तो 12 बाइक्स बदल चुका हूँ माशाल्लाह। कितने तब्दील किए हैं? और हेड का तो पूछे नहीं, हर साल बस चल जाता हूँ, ऑफ रोडिंग मेरा शौक है, और हर साल एक से दो मरतबा तो कम से कम आल पाकिस्तान ट्रिप करता हूँ, क्लच प्लेट प्रेशर पर तो उड़ जाती है ऐसी, वो मजाक है हमारा, ऑफ रोडिंग अब मेरा ऑफ रोडिंग का शौक है तकरीबन 7 सालों से 5 सालों से, ऑन रोड मैं कहता हूँ अब बच्चे जाते हैं। अच्छा, ऑफ रोड को आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, आम आदमी कैसे समझेगा ऑफ रोड, आप किसे कह रहे हैं? ऑफ रोड से बुनियादी मतलब जहाँ पे एक तो मेटल का रोड ना हो, ठीक है, या एक निशान हो, ठीक है, रेत है, नदी है, सही, वो हमारे लिए एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होती है। सही सही। तो अब जितना ज्यादा कहते हैं ना हसीन चीज बहुत मुश्किल से मिलती है भाई, तो अगर कोई खूबसूरत चीज देखनी है तो अब रोड को छोड़ना पड़ेगा, क्यों अक्सर चीज़ें जो है ना खूबसूरत हसीन चीज़ें वो रोड के कहीं दूर ऑफ रोडिंग के किसी और पार दरख्तों के पहाड़ों के उस तरफ मौजूद होती हैं, उसके लिए हमें हाइकिंग भी ज़रूरी है, तो हमारे साथ जो जाता है मनाजान बाइकर क्लब के साथ वो तो दिमाग में रख ले भाई, ऑफ रोडिंग भी करनी है, हाइकिंग भी करनी है, स्विमिंग भी करनी है, हो सकता है रॉक क्लाइंबिंग भी करनी पड़ जाए, गुड, तो इसके बाद फिर पैकेज बनता मज़े का। अच्छा, ये आप सब कुछ कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह ने जान दी है, तो कर ले, तो उम्र बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं। तमाम बाइकर जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मोस्ट वेलकम, आ जाएं, बलूचिस्तान के जितने भी हिडन प्लेसेस हैं, हिडन जिम्स हैं सिंध के, वैसे तो माशाल्लाह आजकल सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, तो मज़ीद अगर प्रॉपर रहनुमाई चाहिए और इवन के रिहाइश का कोई इशू है तो बंदा हाजिर है मरजान बाइकर। थैंक यू आपकी सरदार भाई कि आपने भी हमारा क्लब ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैरा, और आपने मुझे आपसे इसलिए खुशी हुई है कि आपने इस एज के अंदर जो है ना इस चीज़ को किया कि हाँ यस आई कैन डू इट, लेकिन अगर आप बैठने के बजाय आपने एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया और अल्लाह की कुदरत की ज़मीन को देखो, कुल सीरो फिल अर्दी कि ज़मीन में घूमो फिरो, अल्लाह का फजल भी तलाश करो, देखो अल्लाह ने कैसी दुनिया बनाई है, तो आप ये देखते हैं तो आपका अंदर का जो ज़ौक है और रूहानी तौर पर आप थोड़े जवान हो जाती है, आप कंजर्वेटिवनेस निकल जाती है, अल्लाह की जो वहदानियत और अल्लाह की जो दुनिया देख के आपको अल्लाह की बड़ाई का बेहतरीन एहसास होता है, तो मैं इस लिहाज से आपको
सैल्यूट भी करता हूँ मोहब्बत के साथ। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके साथ आज आके हमको वाकई बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा ये ट्रिप रहा। ये था आज का मेरा चौकंडी के कब्रिस्तान का ट्रिप प्रोफेसर साहब के साथ। जब भी बैठते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने का, एक तो उस्ताद हैं उनका एक अंदाज़ है अपना समझाने का। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।